हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द बिजनेस लॉ सेकंड, वी आर गोइंग टू कवर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। व्हाट आर द मीनिंग, व्हाट आर इट्स फीचर्स एंड व्हाट आर द प्रिजम्पशन दे आर अटैच टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और इसी तरह इसका इंग्लिश के अंदर लेक्चर जो है दैट इज ऑल्सो अवेलेबल एट माई सेकेंड चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माई ऐप एडिसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ जो है डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है ये कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को जो है फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। और बिजनेस लॉ सेकेंड का स्ट्रक्चर कोर्स भी अवेलेबल है, जिसका लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है इसकी जो एक्सेप्टेंस मिली थी डैट वाज 9 दिसंबर 1881 को, और ये ऑपरेशनलाइज हुआ था 1 मार्च 1882, और इसके अंदर 147 जो है सेक्शंस हैं, और उसी तरह इट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। जब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो इट डील्स विद थ्री टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स। बट इसके अंदर दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी आ जाते हैं जिसके अंदर नेगोशिएबिलिटी का फीचर है। आगे चल के हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगोशिएबिलिटी। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है दैट इज बेस्ड ऑन इंग्लिश कॉमन लॉ। एज वी अंडरस्टैंड द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है दो शब्दों से बना है, नेगोशिएबल एंड इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल का मतलब होता है कि जब हम ट्रांसफर करते हैं, जैसे ए ने ट्रांसफर कर दिया चेक जो है दूसरे पर्सन को, इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन रिटर्न फॉर कंसिडरेशन। तो यहाँ पे हम ट्रांसफर कर रहे हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को उसके बदले में कंसिडरेशन लेके। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है रिटन डॉक्यूमेंट जिसके द्वारा हम दूसरे पर्सन को राइट जो है ट्रांसफर करते हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है ट्रांसफर, नेगोशिएबल मींस ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन रिटर्न फॉर कंसिडरेशन। इट मींस अ रिटन डॉक्यूमेंट बाय व्हिच ए राइट इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सम पर्सन। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है रिटन डॉक्यूमेंट होता है, और इसके अंदर क्या होता है कि इट एंटाइटल्स ए पर्सन टू ए सर्टेन सम ऑफ मनी बाय लीगल मींस। तो ये एक लीगल मींस के द्वारा उसके पास ये राइट होता है कि वो सर्टेन सम ऑफ मनी जो है रिसीव कर सकता है। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है इट इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय आइदर ऑफ द टू वेज। एक तो होता है कि जैसे बियरर इंस्ट्रूमेंट है, जैसे चेक को मैंने, जैसे बियरर चेक है तो उसको मैंने दूसरे व्यक्ति को दे दिया तो उसके पास राइट चला गया, डिलीवरी कर दिया उसको। दूसरा होता है कि प्रॉपरली मैं उसको साइन करता हूँ, उसको ट्रांसफर करता हूँ, इंडोर्समेंट जो हम साइन करके उस व्यक्ति को ट्रांसफर करते हैं और उसको डिलीवरी देते हैं। देखो तो अगर ये बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो बियर डिलीवरी जो है मेयर डिलीवरी के द्वारा हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। बट अगर ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर पे का नाम लिखा हुआ है तो हम एक इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी के द्वारा उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जब हम दूसरे व्यक्ति को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करते हैं तो उसको कुछ हम राइट्स ट्रांसफर करते हैं, राइट टू रिसीव द मनी, राइट टू फर्दर ट्रांसफर द इंस्ट्रूमेंट। जैसे ए ने बी को ट्रांसफर किया, या तो बी जो है मेच्योरिटी डेट पे पैसा रिसीव करेगा जो उसके अंदर मेंशन है, या वो आगे फर्दर जो है उसको ट्रांसफर कर सकता है। और जब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो इट स्पेसिफाइज थ्री काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, दोज आर प्रोमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स। नेगोशिएबल मींस ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी और बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। तो इंस्ट्रूमेंट मींस ए रिटन डॉक्यूमेंट बाय विच राइट इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सम पर्सन। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या है कि डॉक्यूमेंट जो है दैट शुड कंटेन ऑर्डर और ए प्रॉमिस टू पे ए डेफिनेट सम ऑफ मनी एंड नो मोर। इंस्ट्रूमेंट जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है अगर ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जिसको भी हम ट्रांसफर करते हैं वो व्यक्ति इसको अपने नाम से यूज कर सकता है क्योंकि राइट क्रिएट हो जाता है, और इसको हम कैश की तरह बाय डिलीवरी मोड के अंदर भी जो है ट्रांसफर कर सकते हैं।
सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस ए प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल आइदर टू द ऑर्डर और टू द बेयरर. ऑर्डर का मतलब है जिसका नाम मेंशन किया हुआ है उसके अंदर. बेयरर होता है किसी को भी हमने हैंड ओवर कर दिया. इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज वन विच वन ट्रांसफर्ड बाय डिलीवरी और बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी. तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम किसी व्यक्ति को डिलीवर कर लेते हैं, अगर बेयरर इंस्ट्रूमेंट है, अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, तो इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी के द्वारा ट्रांसफर करते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है कि एक अच्छा टाइटल हम उसको ट्रांसफर करते हैं. और अगर ट्रांसफरर का टाइटल डिफेक्टिव भी है, बट अगर जिसको हमने, जैसे मान लो ए जो है उसने बी को ट्रांसफर किया, ए जो है ट्रांसफरर है, बी जो है ट्रांसफर रही है, और यहाँ पे अगर ट्रांसफरर का टाइटल डिफेक्टिव भी है, लेकिन अगर ट्रांसफरी जो है बोनाफाइड होल्डर है, उसने कंसिडरेशन दी है और उसको इस बात का इल्म नहीं है कि ट्रांसफरर का टाइटल जो है डिफेक्टिव है, तो ट्रांसफरी के पास जो है अच्छा टाइटल जाता है. ये जो फीचर्स हैं कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है इट शुड बी इन रिटन फॉर्म. देखो यहाँ पे हम चीज़ों को दो वे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक होता है मुझबानी, एक होता है रिटन. तो रिटन हमेशा प्रेफरेबल होता है क्योंकि रिटन की फॉर्म में हम एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं. सेकेंड है अनकंडीशनल प्रॉमिस और ऑर्डर. देखो यहाँ पे जब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो इट इज़ नॉट बेस्ड अपॉन सम कंडीशन या ये इवेंट होगा तो हम इसको ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो ये एक फ्यूचर के बाद फ्यूचर अनसर्टन हो जाता है, पर ये एक वैलिड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता. और प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जब हम यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दूसरे को ट्रांसफर करते हैं तो उसके पास कंप्लीट राइट ऑफ ऑनरशिप जाता है. ये नहीं है कि उसके पास सिर्फ पोजिशन ही गया है, उसके साथ उसके पास राइट भी चला जाता है. फ्रीली ट्रांसफरेबल, इसका मतलब होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डज नॉट मेयरली गिव पोजिशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. कि जब हम दूसरे व्यक्ति को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करते हैं, पोजिशन तो जाता ही जाता है बट उसके साथ राइट ऑफ ऑनरशिप भी जाता है. द प्रॉपर्टी इन ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड विदाउट एनी फॉर्मेलिटी इन केस ऑफ बेयरर इंस्ट्रूमेंट. जस्ट हमें हैंड ओवर करना है तो दूसरा व्यक्ति उसका ऑनर हो जाएगा. बट अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो वहाँ पे इंडोर्समेंट बकायदा हमें प्रॉपरली साइन करके उसको डिलीवरी देनी पड़ेगी, तब वो जाके ट्रांसफर होगा. देखो जब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करते हैं तो देर आर टू मिनिमम टू पार्टीज. एक ट्रांसफरर होता है जो ट्रांसफर करता है, एक ट्रांसफरी होता है जिसको ट्रांसफर किया जाता है. मोड ऑफ ट्रांसफर जो है डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. इफ इट इज ए बेयरर इंस्ट्रूमेंट देन जस्ट हैंडिंग ओवर द इंस्ट्रूमेंट, इट मीन्स ट्रांसफर हो गया. ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर पे का नाम लिखा होता है, तो वहाँ पे इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी के द्वारा किया जाता है. गुड टाइटल का मतलब होता है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिसीव करता है उसके पास क्लियर और अनडिस्प्यूटेबल टाइटल चला जाता है, ऑनरशिप उसके पास क्लियर कट चली जाती है. प्रोवाइडेड कि जो इंस्ट्रूमेंट ले रहा है वो बोनाफाइड है, उसने वैल्यूएबल वैल्यू दे के उसको प्राप्त किया है और उसको इस बात का इल्म नहीं है कि ट्रांसफरर जो है उसका डिफेक्टिव टाइटल है. और जिस व्यक्ति ने बोनाफाइड जो है और जिसने कुछ कंसिडरेशन देके उसको लिया है, उसको हम होल्डर इन ड्यू कोर्स मानते हैं. सिग्नेचर प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. अगर सिग्नेचर नहीं है तो इट्स जस्ट लाइक ए पीस ऑफ पेपर जिसका कोई वैल्यू नहीं है. तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट बेयर द सिग्नेचर ऑफ द मेकर. अगर ड्रॉयर के या मेकर के सिग्नेचर नहीं है तो इंस्ट्रूमेंट वैलिड नहीं है. जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर होता है उस वक्त क्या होता है कि जैसे वेयर जैसे ए ने बी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया, तो अगर वो डिसऑनर हो जाता है, वेयर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड. डिसऑनर्ड का मतलब होता है कि मैच्योरिटी डेट पे जब पेमेंट नहीं मिलती, तो जिस व्यक्ति को ट्रांसफर किया जाता है उसके पास राइट होता है कि वो रिकवरी के लिए अपने नाम से कोर्ट से मुकदमा कर सकता है. इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम टिल द मैच्योरिटी से पहले, वो कितनी बार भी उसको ट्रांसफर कर सकते हो. और होल्डर को ये बताने की जरूरत नहीं है, जैसे डेटर है जिससे हमने पैसे लेने हैं, तो उसको बताने की जरूरत नहीं कि मैं फलाने बंदे को ट्रांसफर कर रहा हूँ, जितनी बार मर्जी करो मैच्योरिटी से पहले. उसी तरह प्रिजम्पशन, देखो ये स्पेशल रूल ऑफ एविडेंस हैव इनकॉर्पोरेटेड. यहाँ पे सर्टन प्रिजम्पशंस होती हैं, जिसके पास नेगोशिएबल है तो हम अज्यूम करते हैं कि ये ऑलरेडी इसके अंदर है. देयर इज ऑलवेज ए प्रिजम्पशन दैट ऑल द इंस्ट्रूमेंट हैव बीन इश्यूड और ट्रांसफर्ड फॉर कंसिडरेशन. तो ये एक प्रिजम्पशन ऑलरेडी है कि जिसके पास भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसने कंसिडरेशन देके ही उसको लिया होगा.
दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय लॉ, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, बाय यूजेस और कस्टम, शेयर वारंट, पॉट ट्रस्ट, डिबेंचर्स, इंदिरा विकास पत्र, गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट्स, ट्रेजरी बिल्स, हुंडीज एंड बैंकर्स ड्राफ्ट। उसी तरह नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि नेगोशिएबल नहीं है, मनी ऑर्डर्स, शेयर सर्टिफिकेट्स, लेटर ऑफ क्रेडिट, पोस्टल ऑर्डर्स, शेयर सर्टिफिकेट्स, फिक्स डिपॉजिट सीट्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। और उसी तरह क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है ये भी जो है डिलीवरी और इंडोर्समेंट के द्वारा ट्रांसफर हो सकते हैं। पर यहाँ पे क्या होता है कि बेटर अगर ट्रांसफरर का टाइटल डिफेक्टिव है तो ट्रांसफरर का टाइटल भी जो है डिफेक्टिव ही रहेगा। तो वो जो बेटर, क्योंकि जब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो अगर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो वहां पे अगर ट्रांसफरर का टाइटल डिफेक्टिव भी है तो उसको अच्छा टाइटल मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर ट्रांसफरर का टाइटल डिफेक्टिव है तो ट्रांसफरी का टाइटल भी डिफेक्टिव होगा। तो ये जो क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बिल ऑफ लेडिंग है, रेलवे सीट है, डॉक वारंट है एंड वॉर फिंगर सर्टिफिकेट्स है। इसी तरह हम देखते हैं प्रिजम्पशन कि जिसके पास नेगोशिएबल होता है तो ये अज्यूम होता है कि ये सारी कंडीशंस फुलफिल्ड है, सेक्शन 118 एंड 119। तो ये हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये मतलब पता ही है कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ही पार्ट है, ये दूसरी पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कंसिडरेशन, जिसके पास भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो इट इज ऑलवेज अज्यूम कि उसने कंसिडरेशन दे के ही इसको लिया है। डेट का मतलब होता है कि जिस दिन ये साइन किया गया है, जिस जो भी इसके ऊपर डेट लिखी हुई है, अज्यूम किया जाता है कि इट हैज बीन ड्रॉन ऑन दैट डेट। टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब है कि व्हेन ए बिल ऑफ एक्सचेंज हैज बीन एक्सेप्टेड विद ए रीजनेबल टाइम आफ्टर इट्स इश्यू एंड बिफोर द मेच्योरिटी। और यहाँ पे जो टाइम ऑफ ट्रांसफर है वो भी ये माना जाता है कि मेच्योरिटी से पहले ही इसको ट्रांसफर किया गया है। तो जिस ऑर्डर ऑफ इंडोर्समेंट का मतलब होता है कि जिस ऑर्डर के अंदर, जैसे पहले ए है फिर बी है, तो इट मीन्स पहले ए को ट्रांसफर किया फिर बी को, जो ऑर्डर उसके ऊपर अपेयर करता है इट मीन्स उसी ऑर्डर के अंदर इसको ट्रांसफर किया गया है, इंडोर्स किया गया है। स्टैम्पिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट जो है दैट इज मैंडेटरी। होल्डर इन ड्यू कोर्स के जिसके पास भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जो होल्डर है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। एवरी होल्डर इज प्रिज्यूम्ड टू हैव पेड कंसीडरेशन, हैव टेकन इट इन गुड फेथ। और उसी तरह कोर्ट जो है शैल ऑन द प्रूफ ऑफ द प्रोटेस्ट प्रिज्यूम द फैक्ट ऑफ डिसऑनर। प्रोटेस्ट का मतलब होता है प्राइमा फेसी एविडेंस है कि डिसऑनर हो गया। ये एक नोटरी पब्लिक जो है, जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होता है तो वहां पे नोटरी पब्लिक के पास जाके एक फॉर्मल सर्टिफिकेट जो है इश्यू करती है, जो कि सर्टिफाई करती है कि ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये डिसऑनर हो गया है।